Welcome to Study Center. If you have any query related to computer vaccination, you can send me mail or messages on my mail ID wbcs4u2019@gmail.com. और आज का जो कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि हिंदी में बात करने के लिए, तो पहले मैं बता दूं मैं हिंदी में थोड़ा सा वीक हूँ, इसलिए अगर कुछ गलत हो गलती कर दिया अगर बोलने में से तो माफ़ कर दीजिएगा। पहली पहली बार हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ तो गलती हो भी सकता है। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो मिक्सचर एंड एलिगेशंस के बारे में। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए तो मुझे लगता है कि एक एक मैथ आपका 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर आप थोड़ा सा अच्छा एंड तक देख ले। अगर ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो जो न्यू एस्पिरेंट्स है उसको कहूँगा कि वो भी एक बार देख ले, एक बार रिविज़न भी आप हो जाएगा जो जो पुराने हैं, और जो न्यू है न्यू एस्पिरेंट्स उसके लिए तो बहुत बढ़िया होगा ये वीडियो आपके लिए अगर आप एंड तक देखते हैं। तो जो फार्मूला आपको देखना चाहिए आप ये वाला देख लीजिए एक बार। तो मेन प्राइस रहेगा और आपको चीपर और कॉस्टलियर ये दोनों, ये पूरा जो फार्मूला है आप एक बार देख लीजिए और अगर नोट डाउन कर लीजिए, मैं पूरा आपको समझा दूंगा कि कैसे होता है। मुझे लगता है कि पूरा समझने के बाद आपको पूरा जो ये फार्मूला है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो मिक्सचर और एलिगेशन रहता है, तो मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है कि दोनों रेशियो रहता है ना, तो दोनों रेशियो का दो रेशियो दे देता है, उसको बाद को जो मीन होता है मीन परसेंटेज होता है उसको निकालना पड़ता है या तो मीन प्राइस निकालना पड़ता है। तो उसके उसका जो फॉर्मूला है मैं पूरा आपको धीरे धीरे बताते चला जाऊंगा, 5-6 मार्क देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो ये फॉर्मूला किधर जाने वाला है, इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है। तो पहला मैथ शुरू करते हैं, देख लेते हैं मैथ में क्या लिखा है। तो इन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सम शुगर ऑफ ₹3.25 पर के जी बी मिक्स विद अनदर टाइप ऑफ शुगर ऑफ 3.80 पर के जी सो दैट द मिक्सचर वुड बी द ओर्थ ₹3.50 पर के जी। अब तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3.25 केजी का एक टाइप का शुगर है टाइप वन, और टाइप टू में है 3.80 रुपीस पर केजी, सॉरी रुपीस पर केजी होगा, पर केजी रुपीस पर केजी है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर होगा उसका दाम होना चाहिए 3.50, 3.5 रुपया होना चाहिए इसका, यही कह रहा है इस मैथ में। तो पहले मैंने एक जो शुरू किया था शुरुआत में आपको एक फार्मूला दिया था कि चीपर ड्रेयर करके, वो फार्मूला एक बार अगर आप रिवर्स में जाके देख सकते हो देख लीजिए और वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए तो अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर मिक्सचर जो है मिक्सचर को मैं मिडिल में रखता हूँ, ठीक है, और 3.25 जो चीपर है जो कम दाम वाला है उसको 3.25 वाला यहाँ पर नंबर वन में यहाँ पर रख रहा हूँ, और यहाँ पर 3.80। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, जो ये वाला वैल्यू है और ये वाला वैल्यू इसको माइनस कर देंगे, 3.8 माइनस 3.5 यहाँ पे होगा, 3.8 माइनस 3.5 और नीचे 3.5 राइट साइड में 3.25, मतलब ये एरो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तब मैथ हो जाएगा इसका। रेशियो वन टू 3.8 माइनस 3.5 एंड 3.5, इसको अगर माइनस कर देंगे तो आपको आएगा 0.3:0.25, इसका मतलब रेशियो आपको आ जाएगा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 6:5। ओके, तो 6:5 रेशियो में अगर आप इसको मिक्सड अप करेंगे, मतलब कि 3.25 वाला अगर 3.25 वाला अगर 6 kg एंड 3.8 रुपीज़ वाला अगर 5:5 रेशियो में आप मिक्स अप करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा मीन वैल्यू जो आपको मिलेगा वो 3.50 पर केजी का एक मिक्सचर आपको मिलेगा। इतना ही आसान है, धीरे धीरे मैं आपको मुश्किल मतलब जो हार्डर मैथ है उसके ऊपर जाऊंगा। देखिए इस मैथ में जो डिफरेंस है पिछले मैथ के हिसाब से, इस मैथ में आपका परसेंटेज का मैथ भी थोड़ा सा दे दिया गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही सेम टाइप का है। यहाँ पर लिख रहा है कि 68.2 रुपीज़ पर केजी होगा इस मिक्सचर को मिलाने से, जो कि एक 60 रुपीज़ का है मिक्सचर है, एक 65 रुपीज़ का मिक्सचर है। ओके, तो इसको मिलाने के बाद जो सेलर्स है वो 68.2 रुपीज़ है वो बेचेगा, उसके बाद उसका प्रॉफिट 10% होगा। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 68.2 रुपीज़ होगा,
परसेंटेज वाला जो मैथ होगा ना वो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको दिखा दूंगा जल्दी ही जल्दी, परसेंटेज वाला मैथ। फिलहाल छोटा छोटा तो जो होता है जो मैथ आपका है तो आपको तो पहले ही मालूम होना चाहिए। आप अगर एक एक्सपीरियंस है तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि मिनिमम मैथ आपको मालूम होगा। तो इसका जो गेनर है बोल रहा है कि 10% उसका गेन होना चाहिए। तो पहले आप, मैंने जो सेलिंग प्राइस इसका 68.20 रुपीज़ है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ही उसका होगा को मिक्सचर का, एलिगेशन मिक्सचर, ओके, जो ओवरऑल मिक्सचर होगा, मिक्सचर का जो फाइनल मिक्सचर का जो पर केजी होगा वो इस कॉस्ट प्राइस से ही मिलेगा। अगर सेलिंग प्राइस 68.20% है, इसका प्रॉफिट अगर 10% है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर 10 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा 68.20 × 100 बाई 110। मैंने पहले ही बोला कि इसका एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला। फिलहाल इतना इजी है, आप इतना देख लीजिए। मैं फिर भी आपको एक ग्राफ में करके दिखाता हूँ मैंने ये कैसे निकाला। ओके, लेस बी द जो इसका सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस मैंने अगर 100 होता है तो इसका सेलिंग प्राइस डेफिनेटली अगर 10 रुपीज़, अगर इसका 10 यूनिट अगर इसका प्रॉफिट होता है, अगर 100 इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, सेलिंग है कॉस्ट प्राइस हुआ, तो इसका 10 यूनिट अगर प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली 110 होगा इसका सेलिंग प्राइस। तो 110 अगर सेलिंग प्राइस है तो 110 इज इक्वल टू 68.2, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। तो 1 इज इक्वल टू 68.20 एंड 100 इज इक्वल टू देन, सॉरी, 100 बाय 110 एंड 68.20 × 100 बाय 110, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो मैंने वहाँ से यहाँ शॉर्टकट निकाला, तो यहाँ से कैसे आया, ये प्रोसेस कैसा है, मैं यहाँ पे दिखा दिया, शॉर्टकट भी दिखा दिया, मैं आपको समझ में आने के लिए रात में करके दिया है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये निकल गया कॉस्ट प्राइस, अब निकल गया इसको आप अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका आएगा 68.20 बाई 110, दैट्स मीन 62। तो उसका जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा तो 62 होगा, ये होगा 62। ओके, तो अभी फिलहाल देख लेते हैं जो 62 हुआ है तो इसका जो एंड मैथ जो कितना परसेंटेज मिला है। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस, मतलब कि मिक्सचर जो आ रहा है उसका जो वैल्यू आएगा, वो जो मिक्सचर आएगा वो 62 पर केजी होगा। और कितने कितने का मिक्सचर मैंने मिलाया है यहाँ पर एज पर क्वेश्चन, 60 एंड 65। अगर 62, 65 से 63 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और 60, 62 से 60 अगर माइनस करेंगे, बड़े से छोटा कर देते हैं तो 2। तो 3:2, 60 किलो वाला 3 एंड 65 किलो वाला 2 रेशियो में अगर मिला दें तो मेरा जो फाइनल 62 रुपीज़ का मिक्सचर आएगा। तो यहाँ पे जो क्या था इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो इसका आंसर आएगा 3:2। इतना ही आसान है, आपको अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10 या 15 सेकेंड लगेगा इस मैथ के लिए। हमें जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के एक मैथ के लिए 36 सेकेंड आपको देता है, तो यहाँ पर अगर 10 सेकेंड या 15 सेकेंड आ जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा एक एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन खत्म करने के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि 40 लीटर्स का एक मिल्क है जो मार्केट में, जिसका प्राइस है 33.5 रुपीज़ पर लीटर, सॉरी तो रुपीज़ होगा। तो यहाँ पे कितना पानी मिलाने से उसका जो कॉस्ट प्राइस, उसका प्राइस 2 रुपीज़ हो जाएगा, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है उसका जो प्राइस है 2 रुपीज़ पर लीटर है, तो सब पता ही दिया है। और यहाँ पे जो 3.50 मिल्क का प्राइस 3.50 मिला है, और यहाँ पे मैं वाटर वाटर मिक्स कर रहा है तो वाटर का प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे 0 इमेजिन कर रहा है। यही है, तो वाटर का तो ऐसे ही वाटर वैल्यूलेस है अभी, तो वाटर तो मतलब कि मिलना ही मुश्किल हो चुका है प्योर वाटर। तो बाहर जाएंगे तो आपको खरीदना होगा, फिर भी यहाँ पे मैथ में आपको वाटर का वैल्यूलेस ही होता है कि 0 होता है। तो यहाँ पे 3.5, यहाँ पर अगर 3.5 से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो 1.5 आएगा, 2 से 0 2 आएगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो 2:1.5, अगर इसका आपका सिंप्लीफिकेशन कर लें तो 4:3 आएगा। ओके, तो
तो अगर पहले ही बताया 40 लीटर्स मिल्क है, तो मिल्क का अगर 4 इज इक्वल टू 40 हुआ तो ऑब्वियसली 3 इज इक्वल टू 30 होगा, नहीं ना? ये वाला जो मिक्सचर है 3.5 रुपीज़ का, उसका रेशियो 4 हुआ, और रेशियो में 4 हुआ, 4 यूनिट हुआ, और जो वाटर वाला जो है, जो जीरो वैल्यू मैंने लिया है, उसका रेशियो 3 हुआ। अभी 4 इज इक्वल टू 40 लीटर जो गिवेन है, जो दिया हुआ है, तो 40 हुआ, तो वाटर कितना होगा? 30 लीटर्स। 30 लीटर्स ऑफ वाटर आपको मिक्सअप करेंगे तो इसका जो प्राइस होगा 2 रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा। तो पिछले मैथ में जो मैंने डिस्कस किया था उसी तरह की का ये मैथ है। तो इस मैथ में कहा गया है कि 40 ml एक सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज 15% है, तो इनमें से कितना अल्कोहल मिक्स करने से उसका जो फाइनल मिक्सचर होगा वो 32% मिक्सचर होगा। तो जो फाइनल जो मिक्सचर हो हमें मिलेगा 32%, और जो प्रीवियसली जो मिक्सचर में मिक्सचर ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें में जो कॉन्सेंट्रेशन है अल्कोहल का वो 15%, और प्योर अल्कोहल उसमें मिक्सअप किया जा रहा है। तो प्योर अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? ऑब्वियसली 100% होता है। ओके, प्योर अल्कोहल में तो वाटर भी है तो कुछ कंटेंट नहीं मिलाया जाएगा, जो अल्कोहल में ज़्यादातर पानी मिलाया जाता है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन उसका उसके हिसाब से अगर 100 ml में एक मिक्सचर में अगर 15 ml वो शायद अल्कोहल रहता है, बाकी 85% वाटर रहता है, तो तब 15% कहा जाता है। अगर उस में अगर कोई वाटर का कुछ मिक्सचर नहीं किया तो ज़रूर उसका 100% हो जाएगा। तो एक प्योर अल्कोहल उसमें इस मिक्सचर में डाला गया, जो जो मिक्सचर में डालने के बाद उसका जो मिक्सचर का जो सॉल्यूशन का जो फाइनल सॉल्यूशन का जो अल्कोहल का परसेंटेज वो 32% हो गया। तो फिलहाल दोनों कॉन्सेंट्रेशन मिला गया है, एक 100 और 15। तो इसका अगर एलिगेशन कर लें तो यहाँ पे 68 आएगा, अगर 100 से 32 अगर माइनस कर देंगे तो 68 आएगा, और 15 में 32 अगर माइनस करेंगे तो 17 आएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा? 17:68, और इसका सिंप्लीफिकेशन करने से आ जाएगा 1:4। ओके, देन फॉर दैट इज 1 और दैट इज 4। तो जो 15 जो ml का जो 15% मिक्सचर जो था उसका अमाउंट था 400 ml, जो 4 रेशियो में है। तो 100% जो पूरा अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन मिला गया वो कितना होगा? अगर 4 इज 400 हुआ तो 1 इज 100 होगा। तो 100 ml प्योर जो अल्कोहल है वो मिक्सअप करने से आपका 32% ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। तो फ्रेंड इतना ही आसान होगा, थोड़ा सा अगर ट्रिक वाला कुछ मैथ आ जाए तो उसमें सब परसेंटेज या वगैरह आ जाएगा। जैसे कि मैं दूसरे मैथ में दिखाया है कि अल्कोहल अगर मिक्सअप की अगर आपका सेलिंग प्राइस इतना परसेंटेज प्रॉफिट हो गया तो कितना रेशियो में मिल जाएगा, तो वो अलग बात है, उसका भी मैथ दिखाया जाएगा। अगर इतना इतना ही आसान आता है, इससे मुश्किल मैथ नहीं आता है इस चैप्टर में। अगर कोई भी मैथ आपको मुश्किल लगा, अगर कोई भी आपको प्रैक्टिस करते करते अगर कोई दिक्कत आ गया तो मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। मेरा जो वेबसाइट मैंने जो मेल आईडी दिया है पहले ही शुरुआत में, वहाँ पर आप मेल कर दीजिए, या तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं कि इस मैथ के लिए आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो